तो 19 अप्रैल की घटना है, मोहनपुर थानांतर गांव लाडू का। वहाँ पर 19 तारीख की रात में एक 17 वर्ष नाबालिग बच्चे के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना की जानकारी मिली। और शादी में वहाँ पर गई थी बच्ची, और वहीं पर गांव के 5 व्यक्ति, विकास कुमार मांझी, विनोद मांझी, प्रकाश मांझी, राजेश मांझी, राहुल कुमार मांझी, ये 5 लोगों ने मिलकर उस नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना की बात की है। हमारे यहाँ पर नगर थाना कांड संख्या 30/22 दर्ज किया गया था, और इसमें तुरंत इसको देखते हुए SSP गया के द्वारा टीम गठित की गई थी। उसमें DSP बोधिया कैंप में उसको बुलाया गया था, और उसमें SSP और थाना प्रभारी की टीम उसको देखते हुए त्वरित कार्रवाई करते हुए 5 में से 3 को गिरफ्तार किया गया। इसमें विनोद मांझी है, प्रकाश मांझी है और राहुल मांझी है। कांड दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर 3 को गिरफ्तार कर दिया गया है, और शेष जो है वो फरार हैं, उनकी फाइल छापेमारी कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि उन्हें जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और इन सभी को जो पीड़ित और अपराध कर रहे हैं, सभी के जो कपड़े वगैरह थे जो भी उनको सीज कर लिया गया है, उसमें उन्हें जाँच के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया गया है, और कांड का निष्पादन हम जल्दी से करा कर इसको स्पीड ट्रायल में चलाएंगे। सर अभी एक दूसरे नाबालिग लग रहे हैं? नहीं, नाबालिग नहीं है, अभी ऐसा नहीं है, उससे मेजर है। कुल 5 लोग थे? कुल 5 थे, 5 एक दूसरे जिसमें पीड़िता ने 5 का नेम में कुछ बताया, और उसमें 3 अरेस्टेड है, 2 ही। इन लोगों के खिलाफ कई आपराधिक मामला भी दर्ज? अभी लोग पता करवा रहे हैं, आपराधिक मामला इतिहास का दिया से फिलहाल अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं पाया किस प्रकार को, बाकी ने वायरस किया उसमें जैसे भी इन्फॉर्मेशन आती है तो वो भी उसमें ऐड करेंगे केस तरीके। ठीक है। आंखों देखी।